दिल्ली के महिपालपुर में कंजर बस्ती के नाम से एक बस्ती है, जहां पर लगभग 1500 दलित समाज के लोग रहते हैं। उनके बच्चों को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा सरकार की तरफ से मुहैया नहीं कराई गई है। समाज सेवी सुनीता कमल जी ने वहां पर एक छोटे से स्कूल की ओपनिंग की, जिसके अंदर छोटे गरीब बच्चों को पढ़ाने और उनको सक्षम करने का प्रयास वो कर रही हैं। उसी एक कार्यक्रम के तहत उन्होंने वहाँ पर कुछ लड़कियों के लिए सिलाई का कार्य भी प्रारंभ किया है, जो सिलाई सिखा सकें उन लड़कियों को, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके, किसी के ऊपर बोझ ना बने भविष्य में। आइए देखते हैं समता आवाज टीवी चैनल की खास रिपोर्ट, क्या इस तरीके से सुनीता जी ने उसकी ओपनिंग की। कुछ चित्र वहाँ के मैं आपको समता आवाज टीवी चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, बने रहे समता आवाज टीवी चैनल। और जो तुम्हें 4 रुपए देते हैं साथ में कितना गंदा बोल जाते हैं, इसलिए मन झकझोरता है कि तुम भी क्यों मंगवाते हो और क्यों मांगने जाते हो। इनमें से तुम सब गुनेगार, तुमने सबने अभी कहा तू भी हाथ उठा, शायद हम कोई मराई देने वाले थे। और जैसे ही मैंने प्रश्न किया कि क्यों बच्चे तुम्हें अच्छा लगता है, उन्हें सब हाथ डाल दिया, क्योंकि नेक्स्ट प्रश्न तुम लोगों से पूछा जा सकता है। अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, शिक्षा पा, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ के एक अच्छे इंसान बने और